जी हाँ, कौन जीता और कौन हारा? क्या सच में पवन सिंह जीत चुके हैं खेसारी लाल यादव से, या फिर खेसारी लाल यादव जीत चुके हैं पवन सिंह से? इसका पार्ट टू लेकर के मैं आया हूँ। आप लोगों के कमेंट के वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बेहतर चीज दिखाने वाला हूँ कि आखिर में मात्र 2 दिन में पवन सिंह के गाने पे 72 लाख व्यूज कैसे आ गया, और वो तीसरे नंबर पे क्यों ट्रेंड कर रहा है। और साथ में मैं बात करूंगा कि खेसारी लाल यादव के आज के डेट में, मतलब 3 दिन हो गया, और 3 दिन में 49 लाख व्यूज हो गया, और इसके बावजूद भी ये दूसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। आखिर में इसमें क्या एक्सपेरिमेंट हुआ कि इतने जल्दी इतने व्यूज बटोर लिया गया? और साथ में मैं बात करूंगा कि पवन सिंह जीते या फिर खेसारी लाल यादव जीते, और साथ में ये भी मैं बात करूंगा कि पवन सिंह के गाने में कितना पैसा खर्च की गई है और कितना वो पैसा कमाए हैं, और बात करने वाला हूं खेसारी लाल यादव के गाने पे कि वो कितना पैसा खर्च किया और कितना पैसा कमाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोग बता दूं कि मेरा नाम है टोनी आर्यन और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा एडवेंचर हब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। मैं बता दूं आप लोगों को कि पवन सिंह का गाना जिसका नाम है तुझको ना देखूं तो चैन, करीबन 2 दिन पहले ये वीडियो अपलोड की गई थी, और ये गाना भोजपुरी टिप्स पे अपलोड की गई करीबन 25 लाख सब्सक्राइबर्स पे, और आज के डेट में 72 लाख व्यूज बटोर लिया गया था, और मात्र 2.2 लाख लाइक्स है। जितने भी आप खेसारी लाल यादव के चाहने वाले लोग हैं या फिर और भी कोई लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि पवन सिंह एड लगा करके 72 लाख व्यूज बटोर लिए हैं, बात बिल्कुल से सच है कि 72 लाख व्यूज बटोरा गया है, तो कहीं ना कहीं एड का कमाल है। लेकिन एड का कमाल ट्रेंडिंग शिक्षा में लेकर के जाने का नहीं होता है, एड का कमाल वीडियो पे पैसा कमाने का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज लाने का होता है, इसके सिवा और एड का कोई काम नहीं होता है। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि पवन सिंह का गाना एड लगा के ट्रेंडिंग सेक्शन में लेके चला गया है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। अगर इसी तरीके से रहता तो जितने भी सिंगर्स हैं वो हर गाने को ट्रेंडिंग सेक्शन में लेके चले जाते हैं, क्योंकि उन तमाम लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव का गाना तो 3 दिन हो गया, जिसका नाम है बिहार में होई, और ये हाई बजट का गाना है। हाई बजट का इसलिए गाना है क्योंकि 2 लोग इस गाने पे काम किए हैं, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और साथ में खेसारी लाल यादव के जितने भी टीम है वो लोग दोनों का खर्च किया गया है। मैं बता दूं कि ये गाने में खर्च करीबन 1.5 लाख रुपया हुआ है, और 1.5 लाख में 3 गुना इस गाने से खेसारी लाल यादव कमा चुके, माफ करिएगा, खेसारी लाल यादव के खाते में एक चमन्नी नहीं आएगा, टोटल पैसा आएगा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पास। खेसारी लाल यादव के चैनल से ये वीडियो अपलोड की गई है, लेकिन उसके चैनल से एक चमन्नी नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आएगा तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पास, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप साफ शब्द में देख सकते हैं जो डिजिटल हैंडल है ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का है। मतलब साफ है कि खेसारी लाल यादव के जितने भी, मतलब 49 लाख व्यूज होने के साथ साथ टोटल पैसा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के खाते में जाएगा, और ये तब तक चलेगा जब तक के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के खेसारी लाल यादव के गाने से 5 करोड़ रुपया वो कमा नहीं लेते हैं, तब तक उनके खाते में जाता रहेगा और खेसारी लाल यादव के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। खैर, पवन सिंह के गाने पे जो बजट आई थी वो थी 3 लाख रुपया, और जो अर्निंग हुआ है मात्र 2.5 गुना। 2.5 गुना इसलिए हुआ है क्योंकि गाने पे जो 72 लाख व्यूज हुए थे मात्र 27 लाख ही व्यूज हुए थे, और एड के माध्यम से 72 लाख हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है जितने भी 47 लाख के बाद जितने भी व्यूज आए हैं वो उसका काउंट नहीं किया गया है कमाई के माध्यम से, इसी वजह से उनको 2.5 गुना ही सिर्फ बजट से 2.5 गुना ही प्रॉफिट हुआ है। मैं क्लियर नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो कि नहीं बता सकता, कैलकुलेट करके आप लोग खुद समझ जाएंगे कि इस गाने का जो बजट था वो टोटल 3 लाख रुपया था और इसका 2.5 गुना प्रॉफिट। खेसारी लाल यादव जीते हैं या फिर पवन सिंह जीते हैं, तो एक चीज और मैं आप तमाम लोगों से बता दूं कि खेसारी लाल यादव भी एक्सपेरिमेंट किए हैं और साथ में एक्सपेरिमेंट किए हैं पवन सिंह, तभी जाकर के इस तरीके से 1 दिन में हाईएस्ट व्यूज है, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आप देख सकते हैं टाइटल
जिस तरीके से टाइटल खेसारी लाल यादव के गाने पे है, ये नया है। और जब भी खेसारी लाल यादव गाना अपलोड करते हैं तो टाइटल सबसे पहले हैशटैग वीडियोस होता है, उसके बाद ही कुछ होता है। लेकिन ये नया एक्सपेरिमेंट है और इसी वजह से यूट्यूब पे ये रैंक कर रहा है और यूट्यूब रिकमेंड तमाम लोगों को कर रहा है, इसी वजह से इंप्रेशंस इस वीडियो पे आ रहा है, तभी जाकर के इतना ज्यादा व्यूज आ गया। बात करें पवन सिंह के गाने पे तुझको ना देखूं तो चैन, तो इस पे भी एक्सपेरिमेंट की गई है। आप देख सकते हैं इसका भी टाइटल कुछ अलग तरीके का है और इसी टाइटल की वजह से इतने सारे दोनों वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं। ये कमाल सिर्फ अपना नहीं है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नहीं है, ये कमाल टाइटल का भी है, यूट्यूब का भी है। और रही बात पवन सिंह खेसारी लाल यादव, तो ब्रांड है भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में। इनके जैसा सिंगिंग करने वाले लोग अभी फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। जिस तरीके से पवन सिंह गाना गाते हैं वाकई में दिल छू लेते हैं। और जो तुझको ना देखूं तो चैन, ये गाना जिस तरीके से गाई गई है वाकई में ऐसा लगता है कि हिंदी का डब किया हुआ है। ऐसे तो हिंदी का डब ही है, कॉपी है, लेकिन जिस तरीके से इनकी आवाज है पवन सिंह का, वाकई में सुरों का सम्राट यूं ही नहीं कहा जाता है। और अगर पावर स्टार, अगर इस मुद्दे से अगर बोला जाए कि पवन सिंह बेहतर सिंगर है और इसी वजह से पावर स्टार बोला जाता है, तो ये 100% सच होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बात करूं खेसारी लाल यादव के गाने के बारे में, तो 49 लाख व्यूज गया है, तो उसके साथ साथ इस गाने में जिस तरीके से मात्र 1.5 लाख रुपया इस गाने पे खर्च की गई है, और इस 1.5 लाख रुपए खर्च करने के साथ साथ 4.5% मतलब 4.5 गुना पैसा कमा चुके हैं खेसारी लाल यादव। बात दूसरा के खेसारी लाल यादव के खाते में नहीं जाएगा, लेकिन 4.5 गुना बजट से 4.5 गुना पैसा एक्स्ट्रा इनकम हो चुका है इस गाने में। जिस तरीके से गाने में खेसारी लाल यादव एक्टिविटी करते दिख रहे हैं, जिस तरीके से एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं, गला तो वाकई में बेहतर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक्टिंग उससे भी कहीं जबरदस्त है। और इसी वजह से ये गाने पे 4 चांद लग जाती है। आज के डेट में पवन सिंह के साथ साथ खेसारी लाल यादव का भी गाना एकदम से रैंक करता है, साथ साथ सुना जाता है। रही बात इस गाने में कमी की बात, तो खेसारी लाल यादव के गाने में जरा सा कमी है, जो कि मैं वो भी क्लियर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में जो वीडियो की जो पिक्चर क्वालिटी है वो जरा सा कम हो जाता है, क्योंकि जो ग्राफिक्स है उसके वजह से पवन खेसारी लाल यादव के गाने में पिक्चर क्वालिटी कमजोर हो जाता है। लेकिन खेसारी लाल जिस तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं इस गाने में, वाकई में दिल छू लेने वाली बात है। और जिस तरीके से मेहनत करते हैं खेसारी लाल यादव, यूं ही नहीं ट्रेंडिंग स्टार बोला जाता है, पब्लिक उनको अपने सर पर बैठा कर रखती है। यही वजह है कि खेसारी लाल यादव इतना अथक प्रयास करते हैं, एक चमन्नी नहीं मिलने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए गाना गा रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। बात करें कौन जीता तो कौन हारा इसके बारे में, क्योंकि ज्यादा आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बात अब क्लियर है, वो चीज आप लोगों को सुनना पड़ेगा। पवन सिंह का गाना 2 दिन मात्र हुआ है, 72 लाख व्यूज हो गया है। 72 लाख व्यूज तब हुआ जब वो एड लगा करके अब 72 लाख व्यूज बटोर लिए। अगर बिना एड को हटा दिया जाए और काउंट किया जाए तो 47 लाख व्यूज हो रहे हैं, और जब वीडियो पे लाइक देखा जाए तो अभी के हिसाब से मतलब 72 लाख के हिसाब से 2.2 लाख लाइक्स है। अगर ऐड को हटा दिया जाए तो 1.5 मतलब 1.5 लाख लाइक्स हो रहे हैं। तो देखा जाए बिना ऐड का बात तो 47 लाख व्यूज पवन सिंह के गाने पे तुझको ना देखो तो चैन, और 1.5 लाख मात्र लाइक्स है। रही बात खेसारी लाल यादव के गाने की बात करें तो इसमें बिना ऐड का 49 लाख मतलब 49 लाख व्यूज ले चुके हैं और 4.5 लाख लाइक्स बटोर चुके हैं। इससे साफ पता चलता है कि कौन जीता और कौन हारा। मैं आप तमाम लोगों पे छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूं, मैं किसी का भी पक्षपात नहीं करूंगा ना किसी का बुराई करूंगा। आप लोगों को क्या लगता है कि पवन सिंह जीते या फिर खेसारी लाल यादव जीते, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हां, एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग खेसारी लाल यादव के फैन हैं तो प्लीज जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से हमें भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और अगर पवन सिंह के आप लोग चाहने वाले लोग हैं तो जिस तरीके से पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे भी बेहतर बेहतर वीडियोज आप लोगों के सामने रखता रहूं और दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं, ताकि आप लोग भी इंटरटेन हो और इंटरटेन के साथ साथ आप लोगों की सच्चाई की जानकारी हो। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, रत्ती भर भी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाजत, जय हिंद।